अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी ग्रेट एट योर होम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो प्रीवियसली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दो सीक्वेंस जिसमें हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सीक्वेंस जो कि हमारे रह गए थे। हमारा जो सबसे पहला सीक्वेंस जो हमने डिस्कस करना है वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हार्मोनिक सीक्वेंस को समझने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लें क्या है। क्या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस इफ़ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि अगर किसी सीक्वेंस को हमने देखना है कि वो हार्मोनिक सीक्वेंस है कि नहीं, हम सिंपल क्या करेंगे, जो सीक्वेंस हमें गिवन होगा हम क्या करेंगे, उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। अगर वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा तो हम सिंपली कह देंगे कि वो जो हमें सीक्वेंस जो गिवन है, जिसका हमने रेसिप्रोकल लिया है, जिसकी टर्म्स का, वो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 1, 1/3, 1/5 एंड 1/7। अब इसको हम पता कैसे लगाएंगे कि ये सीक्वेंस हार्मोनिक है कि नहीं। सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे, मतलब रिवर्स कर देंगे टर्म को। इसी तरह इसको कर देंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 1/3 का 3, 1/5 का 5, 1/7 का 7। क्या है ये सारे रेसिप्रोकल। अब आप इनका कॉमन डिफरेंस देखें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता क्या है, 3 - 1 और d = 5 - 3। अब ये सीक्वेंस जो है हमारे पास क्या बन रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। उसकी डेफिनेशन क्या थी कि कॉमन डिफरेंस सेम हो प्रोसीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का। 3 में से 1 निकालें और 5 में से -3 करें, 7 में से -5 करें, तो जवाब हमारे पास हमेशा 2 आएगा। ठीक है, तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो हमारे पास वो कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो हार्मोनिक सीक्वेंस है। इसमें एक बात जो कि नोटिस करने वाली है, क्योंकि जो हमें हार्मोनिक सीक्वेंस दिया होता है हमने उसको रेसिप्रोकल लेना होता है ताकि हम उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बना सकें। तो जो 0 टर्म होगी वो हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी जो भी है वो एक डिफाइंड टर्म तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रियल नंबर में भी इंक्लूड नहीं करते, हम कहते हैं कि रियल नंबर भी -∞ और 2∞ होना चाहिए। ठीक है, तो ये शामिल नहीं होती इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये एक इनडिटर्मिनेट या कह सकते हैं कि ऐसी टर्म है जो कि डेफिनेट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि जनरल टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है। वो सिंपली हमारे पास होती है an = 1/(a₁+n-1)d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है उसको पहले हम क्या करेंगे, उसकी जनरल टर्म निकालेंगे, और जनरल टर्म निकालने के बाद उसको दोबारा हम देखेंगे कि उससे क्या वो सीक्वेंस बन रहा है दोबारा। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये सीक्वेंस दी है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि हम ये देख सकें कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। सिंपली हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है इधर, रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया। अब ये सीक्वेंस बनने के बाद आप देखें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 5 में से -2 निकालें, 8 में से -5 निकालें तो 3 बन रहा है। इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनरल टर्म हमारे पास का जो फार्मूला था वो था a₁+n-1d, क्योंकि हमें ये प्रूव हो चुका है कि जो हमें इसी वाला सीक्वेंस दिया हुआ है ये हमारे पास कौन सा है, हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो इसलिए हम इसकी जनरल टर्म निकाल दी हमने। अब यहाँ देखें a₁ हमारे पास क्या था, 2, ये वाली टर्म थी 2 थी, a₁ 2 था और n-1। अब n जो है जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ टर्म्स इनफिनाइट है, हमें पता नहीं है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, इसलिए n का n आ गया। और कॉमन डिफरेंस हम पहले निकाल चुके हैं 8 में से 5, यानी कि इसका 3 कॉमन डिफरेंस है, तो 3 लिख दिया और साथ इसको सॉल्व करके निकाला तो इसकी जनरल टर्म आ गई 1/3n-1। ठीक है, फिर हम जनरल टर्म से हम दोबारा सीक्वेंस की टर्म्स दोबारा निकाल सकते हैं। जनरल टर्म हमारे पास थी an = 1/3n, हमारे पास थी -1। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, n की जगह हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो उससे हमारे पास जो रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं a₁ a₂ आती रहेगी। हमने सिर्फ n की जगह 1 पुट किया, इधर भी n की जगह 1 पुट, हमारे पास आ गई फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास प्रीवियस सीक्वेंस में थी। फर्स्ट टर्म ये वाली देखें 1/2, उसके बाद क्या आनी चाहिए सेकेंड टर्म 1/5। इसी तरह हमने क्या किया, a₂ पुट किया, a₂ देखिए हमारे पास इधर n की जगह 2 पुट किया, जवाब हमारे पास 1/5 आया, तो a₂ हमारे पास 1/5 और सीक्वेंस में भी हमारे पास क्या थी वो 1/5। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है वो है कम्बिनेशन सीक्वेंस। कम्बिनेशन सीक्वेंस में हमारे पास होगा क्या, ये दो सीक्वेंस का कम्बिनेशन होगा,
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस पड़े हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, कि किसी भी दो सीक्वेंस का हमारे पास कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे हमने इधर लिखा हुआ है या तो अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो है कम्बिनेशन जो होगा वो एक सिंगल सीक्वेंस बनाएगा जिसे हम बोलेंगे कम्बिनेशन सीक्वेंस। अब होगा कैसे, फॉर एग्जांपल अब ये गिवन सीक्वेंस देखें, 1/4, 2/16, 3/64, 4/256, 5/1024। अगर आप गौर से देखें तो इसमें ऊपर ये देखें, ऊपर वाला जो सीक्वेंस है वो कोई बन रहा सीक्वेंस, क्योंकि मैं इस सीक्वेंस को पहले समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। उसके लिए डेफिनेशन वही सेम कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस प्रोसीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का, मतलब ये वाली प्रोसीडिंग टर्म, ये वाली प्रीसीडिंग, इन दोनों का आप डिफरेंस लें तो 1 आएगा। उसके बाद ये वाली प्रोसीडिंग और ये प्रीसीडिंग, इसका हम डिफरेंस लें तो उसका भी 1 आएगा। इसी तरह इसका डिफरेंस लें, इसका भी 1, 5-4 इसका डिफरेंस लें, इसका भी 1। ये तो हो गया अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमने नीचे वाला देखना है जो कि 4, 16, 64, 256, 1024, ये वाला कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 का क्यूब, और ये हमारे पास 4 की 4, और ये हमारे पास 4 की 5। ठीक है, अब आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें तो ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, तो ये हमारे पास बन रहा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आप देखें कि रेशियो लेके देख लें, ये प्रोसीडिंग टर्म, ये प्रीसीडिंग टर्म, 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 लें तो जवाब हमारे पास क्या आता है, 8, जो कि हमारे पास कॉमन रेशियो है। और 4 का क्यूब, 4 की पावर क्यूब का रेशियो लें आप 4 की पावर स्क्वायर से, तब भी हमारे पास क्या आता है, 4। ठीक है, इसका मतलब ये है इसकी कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आ रही है, जो कि डेफिनेशन है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब ऊपर वाला सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो इसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला लगा के इसकी जनरल टर्म निकाल लेंगे। नीचे वाला सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला लगा के या जनरल टर्म का फार्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म निकाल लेंगे। सिंपली हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला होता है। यहाँ हमने a1 की वैल्यू पुट की जो कि 1 है, सही है। उसके बाद हमारे पास ये n हमारे पास वैसे का वैसे ही, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो है हमें पता नहीं है, ये इनफिनाइट सीक्वेंस है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमें पता है इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। सिंपली हमने यहाँ से इसकी जनरल टर्म निकाल ली। इसी तरह हमने क्या किया है कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी हम क्या निकालेंगे, जनरल टर्म। तो उसकी जनरल टर्म के लिए हमारे पास कॉमन रेशियो 4 आई थी, तो 4 लिख दिया। a1 जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की वो हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, ये थी 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास n-1 वैसी n वैसी क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सिंपली जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो n-1+1, ये +1-1 से कट गया, तो हमारे पास 4 की पावर n आया। तो कम्बिनेशन सीक्वेंस की जनरल टर्म सिंपली क्या हो गई, n डिवाइड बाय 4/n, क्योंकि नीचे वाला सीक्वेंस जो था वो क्या था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसकी जनरल टर्म ये आ गई, और ऊपर वाला जो हमारे पास सीक्वेंस था वो था अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसकी जनरल टर्म हमारे पास ये आ गई। और लास्ट जो हमारे पास सीक्वेंस है वो फिबोनाकी सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान सीक्वेंस है, क्या है, फिबोनाकी सीक्वेंस फॉर्म एन इंटरेस्टिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच एलिमेंट इज ऑब्टेन बाय एडिंग द टू प्रीसीडिंग टर्म्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कहने के चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, अब हम इसमें अगर गौर से देखें तो जब हम टू प्रीसीडिंग टर्म, फॉर एग्जांपल ये 2 है ना, इससे प्रीसीडिंग टर्म यानी पिछली टर्म दो कौन सी हैं, 1 और 1 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 2। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 है, अब 3 से प्रीसीडिंग 2 टर्म्स कौन सी हैं, ये 2 और 1, इन दोनों को सम करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। उसके बाद अब अगली टर्म देखें 5 से प्रीवियस 2 जो टर्म्स हैं वो प्रीसीडिंग कौन सी हैं, 3 और 2 को हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास 5 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमारे पास 8 टर्म है, 8 से पिछली 2 टर्म है हमारे पास 5+3, तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली हमने क्या करना होता है, सिंपली ए जो हमारे पास होती है इसकी जनरल टर्म अगर हमने निकालनी है, सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल या तो a2+a1 कर लो, ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, a3 के, सही है, या फिर हमारे पास अगर a4 करना है तो वो किसके बराबर होगा, इसकी दो प्रीवियस टर्म कौन कौन सी होंगी भाई, 4 से पहले 2 टर्म यानी कि 3 और 2, मतलब हमारे पास 3+2 ये वाली जो हैं, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। तो जो इसकी जनरल टर्म बनेगी वो सिंपली क्या बनेगी, an=an-1, मतलब यहाँ देखें अगर 4 है तो यहाँ इससे 1 कम है, तो यहाँ अगर n है तो यहाँ इससे n-1 1 कम हो गई, और यहाँ अगर 4 है तो इससे कितनी कम है, 2 टर्म कम है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ n है तो यहाँ हमारे पास n-2, ये हमारे पास जनरल टर्म हो गई, इससे हम सारे टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज तक की वीडियो में
मैंने इतने ही बताना था कि जो सारे सीक्वेंस हैं और इनके एक्चुअली कॉन्सेप्ट और इनके एक प्रॉपर डेफिनेशन और इनके एक एग्जांपल मैंने करवा दी है। और जाते हुए आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है किसी को इस डाटा की ज़रूरत हो तो वो उस तक पहुँच सके, और वो उसी वक्त उसी सूरत में पहुँच सकता है जब आप उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको उसका फ़ौरन से नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे फ़ौरन से देख सकते हैं, आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगी। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।